पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहीं नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली बॉर्डर पर रैंडम जांच जारी है। डीएनटी पर कोरोना की रैंडम जांच जो है वो हो रही है। दिल्ली में बढ़ते मरीजों को लेकर फैसला किया गया। रोज 3 बॉर्डरों और मेट्रो पर रैंडम चेकिंग चल रही है। दिल्ली से नोएडा आने वालों की सैंपलिंग भी की जा रही है, क्योंकि दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है और दिल्ली में कोरोना की एक नई लहर जो है वो आ चुकी है, जिसके बाद दिल्ली से बाहर जो लोग जा रहे हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग ली जा रही है। लगातार कोरोना मरीजों में इजाफा हो रहा है और यही वजह है कि दिल्ली से जो लोग दिल्ली से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। अब दिल्ली में कोरोना के हालातों को लेकर केंद्र ने भी हस्तक्षेप कर दिया है और वो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कोरोना की इस सेकंड वेव को कंट्रोल किया जा सके। लगातार मरीजों में इजाफा हो रहा है। डीएनटी पर कोरोना की रैंडम सैंपलिंग ली जा रही है, रैंडम जाँच हो रही है और इसको लेकर इसके पीछे उद्देश्य यही है कि दिल्ली से जो लोग बाहर अन्य राज्यों में प्रवेश कर रहे हैं वो दूसरे राज्यों के हालातों को बिगाड़ने ना पाए और इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके, इसके लिए रैंडम सैंपलिंग की जा रही है डीएनटी पर।